नमस्कार, मैं नाजमिन खान और आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर जल्द उपचुनाव होंगे। उपचुनाव को देखते हुए जहां समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव लोकसभा सदन के अंदर हुई कार्यवाही पूरी होने के बाद सीधा लखनऊ दफ्तर पहुंच जाते हैं और सपा दफ्तर में मंत्रियों और विधायकों संग एक बड़ी बैठक की जाती है, जिसमें निर्णय लिया जाता है कि आखिरकार उपचुनावों में किस रणनीति के आधार पर काम किया जाए। यहां पर फैसला किया जाता है कि क्या लोकसभा चुनाव का जो परिणाम सामने आया है, क्या उसी आधार पर हमें पीडीए के तहत ही प्रत्याशी का ऐलान करना चाहिए, क्या हमें यहाँ पर पिछड़े वर्गों के जरिए ऐलान करना चाहिए, क्या यादव समुदाय को साधने के लिए हमें यादव चेहरा उतारना चाहिए, परिवार से प्रत्याशी होना चाहिए या फिर पार्टी से। तमाम मंथन सपा दफ्तर में अखिलेश यादव के जरिए की गई, लेकिन जहां सपा द्वारा ये पूरी तैयारियां की जा रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक कोई फैसला उपचुनावों को देखते हुए नहीं लिया था। लेकिन हाल ही में आपको ये बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज बड़ी बैठक मंत्रियों संग करते हुए नजर आएंगे और इस बैठक का पूरा मकसद होगा कि उपचुनाव में किस रणनीति पर काम किया जाए और लोकसभा चुनाव में आखिरकार कैसे भारतीय जनता पार्टी पिछड़ी और क्या कारण हो सकते हैं जिनका सुधार हम उपचुनावों में कर सकते हैं। अब ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ अपने मंत्रियों संग अपने विधायकों संग एक बड़ी बैठक तो करते हुए नजर आएंगे आज। क्या इस बैठक में भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता अपर्णा यादव शामिल होगी या फिर अपर्णा यादव को इस पूरे मामले से साइड किया जाएगा? क्या अपर्णा यादव, जो लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहती थी, उन्हें मौका भारतीय जनता पार्टी ने नहीं दिया? क्या मौका अब भारतीय जनता पार्टी इस मीटिंग के जरिए कोई बड़ा फैसला लेते हुए देगी या फिर नहीं? इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या है आपकी राय? क्या अपर्णा यादव को मिलना चाहिए उपचुनाव में किसी सीट से टिकट या फिर भारतीय जनता पार्टी से अलग हटकर सपा का दामन थामना चाहिए? अपर्णा यादव को, इस पूरे मुद्दे को लेकर अपर्णा यादव भी समाजवादी पार्टी के फेवर में और अपने ससुर मुलायम सिंह यादव के समर्थन में एक बड़ा ऐलान भी करती हुई मंच से नजर आई हैं। मुझे तो नेताजी ने बहुत आगे बढ़ाया, मुझे तो मैं बहुत सौभाग्यशाली मानती हूँ कि यादवों के आज की डेट में बहुत सारे लोग उनको लाइक कर सकते हैं, बहुत सारे लोग उनको डिसलाइक कर सकते हैं। आज वो दुनिया में नहीं है, पर यादव समाज के इस भारत वर्ष में अगर कोई पुरोधा के रूप में जाने जाएंगे तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि उनका नाम आदरणीय श्री मुलायम सिंह यादव जी ही होगा। और मेरे ससुर हैं, जहां अपर्णा यादव ने स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव की तारीफ की तो वहीं यादव समुदाय को साधने की कोशिश भी की। इसके जरिए कहा जा रहा है कि क्या अपर्णा यादव अब जल्द फैसला लेती हुई नजर आएंगी या फिर नहीं। इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय हो सकती है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। देखते रहें SPN9 न्यूज। धन्यवाद।